हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? तो हम दोबारा से एक न्यू ब्लॉग में आ चुके हैं, वो भी काफ़ी टाइम के बाद। गाइस, पूरे 15 दिन के बाद मैं दोबारा ब्लॉगिंग पे आया हूँ। पता नहीं बीच में क्या हो गया था, मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दिया था, काफ़ी टाइम से बंद कर दिया था, बनाना ही छोड़ दिया था, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से। मोबाइल से भी थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया था मेरा, काफ़ी टाइम से मैं मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहा था, और बस टाइम देखना और बाकी बात कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस, आज मैं पूरा दिन घर पे हूँ और कमरे की सफाई वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन कर रखा है। आज शनिवार है और अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 4 बज रहे हैं शाम के। तो गाइस, कल का मेरा तबीयत भी आज ख़राब था, इस वजह से मैं घर पे रहा और कहीं नहीं गया, ड्यूटी पे भी नहीं गया, बिकॉज यार फीवर हल्का हल्का हो रहा है। तो मैंने दवाई तो नहीं लिया, बिकॉज यार ऐसा है ना कि बिना दवाई का ही मतलब सारा दिन, मतलब जब भी मुझे बुखार लगता है तो बिना दवाई का ही गुजारा करता हूँ। दवाई अच्छी लगती नहीं है इसलिए दवाई नहीं लेता, और कोशिश करता हूँ बिना दवाई का ठीक होने का। तो कुछ नुस्खे हैं मेरे लिए, सबको तो ये सूट नहीं करता, बट जो नुस्खे अपने लिए हम यूज़ करते हैं तो उस तरीके से देखा जाए तो मेरा जो फीवर बुखार जो भी होता है या फिर जुकाम वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। तो गाइस, आज मैं शाम को मार्केट जाऊँगा तो उस दिन वहाँ का दिखाऊँगा आपको, और कुछ सामान भी लेने थे जैसे कि कपड़े वगैरह, एक दो कपड़े लेने हैं, और साथ में मेरी बहन भी रहेगी, घूमने के लिए जाना है उसे भी। वैसे मेरा मन तो अकेले जाना था, बिकॉज अच्छा लगता है अकेले घूमना मुझे, बट वो जिद कर रही थी तो मैंने कहा ठीक है तुम भी मेरे साथ चलना, तो वो ही मेरे साथ रहेगी, बिकॉज उसे भी कुछ सामान लेना है तो वो मेरे साथ ही जाएगी। तो भाई, शाम का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी थोड़ा सा धूप वगैरह हो रहा है और अभी मार्केट पूरी तरह से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो शाम में 6 बजे के बाद ही होगा और 6 बजे के बाद ही जाऊँगा। तो आपको कुछ सीन दिखाऊँगा शाम को ही, बाकी बात आप वीडियो पर लगे रहें, बने रहें। A few moments later. तो गाइस, मैं निकल चुका हूँ घर से, बिकॉज यार मुझे मार्केट जाना था, तो अभी मैं अपने सिस्टर के पास जा रहा हूँ, उसके बाद उसको लेने के बाद फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। तो गाइस, इस बार मैंने साइकिल कमरे पे छोड़ दी और साथ में निकला है, क्योंकि यार शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी और मुझे उधर से आने वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वैसे शाम हो चला है बट कुछ टाइम के बाद तो रात ही हो जाएगा, भीड़ की वजह से मैंने साइकिल छोड़ दिया, ठीक है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है इस वजह से। तो गाइस यार, मैं 4 बजे चला गया था एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, शाम में, तो तकरीबन एक से 1.5 घंटे एक्सरसाइज किया, उसके बाद अभी बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि रात में जल्दी सो जाऊँ, बट वो भी सही है जल्दी सोना, बिकॉज यार रात को अगर जगे रहूँगा तो फ़ोन चलता रहेगा, ये कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं थका हुआ हूँ, जल्दी सो जाऊँगा रात में। तो फ्रेंड्स, अभी चल ही रहा हूँ, काफ़ी टाइम लगेगा अभी तो, 5 मिनट से ऊपर ही लगेगा, बट वीडियो उतना लंबा नहीं करूँगा, स्किप करते करते हुए जाना है। तो फ्रेंड्स, अब ऑलमोस्ट नाइट हो गया है, बिकॉज यार जो लाइट आ रही है ये बल्ब जल रहे हैं इस वजह से इतना आ रहा है, वरना अंधेरा हो ही गया लगभग। ये साइड में एक पार्क है, ठीक है, और अक्सर मैं इधर ही आया करता हूँ एक्सरसाइज के लिए हर रोज, और भी हैं बट अक्सर मतलब ज़्यादा इसी में आता हूँ, क्योंकि ये नज़दीक पड़ जाता है और यहाँ पे जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें अवेलेबल होने की वजह से जो है ना मैं इधर ही आता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम मार्केट में हैं और साथ में मेरे सिस्टर भी हैं, आपको दिखाता हूँ कितना क्राउड है यहाँ पे। कहाँ लेना हो? तो फ्रेंड्स, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या लेना है, और मेरा एक लोवर टी शर्ट तो डन है, लेना ही है, लेकिन उसमें भी देखना पड़ेगा कहाँ पे बेहतर है और कहाँ पे अच्छा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी जीन्स की दुकान पे और ये पसंद कर रही है, देखते हैं इसे क्या पसंद आता है, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। देख लेते हैं, देख ले, सी डोंट लाइक दिस सो आई एम गोइंग नेक्स्ट स्टोर। कौन सा कपड़ा लेने? तो फ्रेंड्स, अभी हम शूज़ देख रहे हैं और इसमें कुछ पसंद आता है तो हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि मेरे जो पुराने जूते थे वो फट गए, बेकार हो गए, उसे मैंने फेंक दिया। हमी ना
गाइस यार भूख लगा है, पहले हम कुछ खा लेते उसके बाद कुछ खरीदेंगे। ऐसे अभी कुछ नहीं ले सकते, दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर से भूख भी बहुत तेज की लगी है। हम कुछ खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर देखेंगे। वैसे जूते भी लेने थे एक, और लोवर और टी शर्ट भी लेने हैं। तो फ्रेंड्स यार मैं चश्मा देख रहा था, मुझे चश्मा भी पसंद नहीं आया, मेरे पसंद का मिला ही नहीं। तो चश्मे वाली दुकान ढूंढ के एक अच्छा सा चश्मा लेंगे। हमने चाउमीन की वीडियो बना ली, देख चाउमीन है। मैंने भी चिली पटेटो ले लिया, अभी ये हम खाएंगे और क्या। तो फ्रेंड्स अभी हमने एक शर्ट ही खरीदा है, सिस्टर के लिए भी एक शर्ट खरीदा है, और भी बहुत सामान लेने हैं, और मेरे तकरीबन 1.5 घंटे पार हो गए ऐसे घूमते घूमते। तो हम एक छोर से निकले थे और दूसरे छोर तक पहुँचे, और दूसरे छोर जो छोर था हमारा वहाँ से भी निकल गए, और वापस से हम मार्केट में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने बहुत सारा सामान ले लिया है, ठीक है। और दिखा दें कि एक हमने बैग लिया है, ये पीछे आप देख रहे हो उसमें भरा पड़ा हुआ है पूरी तरह से, और भी बहुत सारे सामान लेने हैं। और हम देख भी रहे हैं कि अभी एक स्प्रिंग आल स्टोर पे हैं, और ये पसंद कर लिए कुछ ले रही है। तो फ्रेंड्स इतना चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कमरे पे जाते ही सिर्फ ये ख़त्म, मतलब सो जाऊँगा। खाना भी तो खाना है, भूख लगा है बहुत तेज का। इसका फाइनली मैंने बैग भर दिया, ठीक है। इतना सारा सामान ले लिया था कि मुझे साइड से एक बैग लेना पड़ा, तो उसको तो मैं घर पे छोड़ा है, अब मेरा बैग खाली रह गया, इसको भरना है। तो ज़्यादा सामान लेने हैं उसके बाद फिर वापस घर जाऊँगा। बिकॉज यार मेरे पास ज़्यादा जरूरी के सामान तो है ही मेरे पास, ऑलमोस्ट जो नहीं है उसको लेंगे, उसके बाद फिर सीधे घर बनते रहेंगे। तो भाई फाइनली हमने अपना कपड़े ले लिया, ये कपड़े रह गए, ठीक है। तो मैं उसे नहीं लूँगा बिकॉज कुछ पैसे अपने घर पे छोड़ा है, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास पैसे बचे हैं उसे मैं खाते हुए जाऊँगा, बिकॉज यार मुझे खाना बाहर से खाना पड़ेगा, तो पैसे से बचने पड़ेंगे, और पैसे घर पे छोड़ दिए इसलिए ले नहीं पाऊँगा। और आप बता दो कि भीड़ भी कम हो गया, अब ज़्यादा भीड़ भी नहीं था। तो भाई यार सुबह के लिए जो है मैंने चना ले रखा था, रोटी भिगोगे सुबह खाने में सही रहेगा, बिकॉज यार एक प्राइस के पहले जो है चना बहुत फ़ायदेमंद होता है, ले रखा है। और तो गाइस अपने घर की ओर पर स्थान करते हुए वापस में निकल गया हूँ अपनी कॉलोनी के तरफ। गाइस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मतलब क्या बोलूँ आपको, समझा नहीं पाऊँगा मतलब किस तरीके से थका हूँ। तो फ्रेंड्स 6:30 बजे घर से निकला था, और अभी 9:30 बजने को है। देखा जाए तो 3.5 घंटा से ऊपर मेरा टाइम बाहर बीत गया चलते चलते, ठीक है। मानो तो यार बैठा ही नहीं कहीं पे, तब से जब से निकला हूँ तब से चल ही रहा हूँ, इसका मतलब समझ रहे हो कि बैठा ही नहीं, समझ रहे हो उतना टाइम से चलते जा रहा हूँ, कहीं रुका हूँ कहीं खड़ा हूँ तो कभी चल रहा हूँ, तो आज ये हाल हो गया मेरा। तो गाइस फाइनली हम अभी घर पे हैं। गाइस इतना चला गाइस क्या बताएं आपको, पैर का बहुत बुरा हालत हो गया है। बिकॉज ऐसा है ना कि मैं मार्केट जाने के पहले भी एक्सरसाइज करने गया था, लगभग 1 घंटे से ऊपर एक्सरसाइज किया, उसके बाद कंटिन्यू 3.5 घंटे से ऊपर खड़ा रहा चलता रहा, तो ऐसे में बताओ इतना ज़्यादा पेन तो होना ही है, मतलब होना ही था। तो गाइस यार बाहर से तो खाने के लिए बिरयानी लाया था, अपना मजे से बिरयानी खा लिया, और अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 10 बजने को है, कुछ पढ़ लेता हूँ उसके बाद फिर सो जाऊँगा, तकरीबन 11 बजते सो जाऊँगा, जितना जल्दी सोऊँगा उतना जल्दी जगूँगा, दैट्स इट। तो गाइस बहुत ज़्यादा आज का सामान लिया, ठीक है, बहुत पैसे खर्च हो गए आज मेरे, और आज हो गया
आज 29 सितंबर, आज 30 तारीख है, मतलब 30 सितंबर ये लास्ट दिन है और अगले दिन से जो है अक्टूबर आ जाएगा। और ये आज 30 सितंबर है, लास्ट दिन है, और आज तक का मतलब पूरे 1 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक का मुझे पूरा रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, रिकॉर्ड तो लिख के रखा हूँ, उसे जोड़ के देखना पड़ेगा कि मैंने कितने खर्च किए पूरे महीने में इस सितंबर में। तो गाइस ये बातें अगले वीडियो में पता चलेगी, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मैंने कितना खर्चा किया। तो गाइस अब तक के लिए यहीं तक रहा, बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।